अनदर वीडियो। आई एम अदिल अलवी एंड यू आर वाचिंग द बायोमेड रूट। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाइपोथर्मिया मशीन के बारे में। हाइपोथर्मिया तब होता है कि जब आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है, बहुत ज्यादा कूल हो जाती है आपकी बॉडी, उस वजह से होता है। तो नॉर्मली जब हम जो पेशेंट्स को, कार्डिक के पेशेंट्स को जब हम ट्रीट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन जा रही होती हैं, तो पेशेंट की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कूल हो जाता है, तो उसके लिए हम हाइपोथर्मिया मशीन इस्तेमाल करते हैं जो कि जो बॉडी का रिक्वायर्ड टेम्परेचर लेवल है उसको मेंटेन रखती है। इसके अंदर एक ट्यूबिंग सिस्टम होता है और ये पेशेंट के नीचे जो है एक हम पैड लगाते हैं जिसके अंदर पानी सर्कुलेट करता है रिक्वायर्ड टेम्परेचर लेवल के ऊपर। तो इस मशीन के अंदर हीटिंग और कूलिंग सिस्टम दोनों होता है जो कि इसको मेंटेन करता है। तो आज इसकी मैं डेमोंस्ट्रेशन करूंगा और बताऊंगा कि इस मशीन को आप कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और इसके साथ क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारे पास जो मशीन मौजूद है ये मैक्विड कंपनी की है, जो स्टारा HCU-30 के नाम से आती है। ये इसका मेन डिस्प्ले है और यहाँ पे ये इसका इस तरीके से पोर्टेबल यूनिट है, ट्राली माउंटेड है, व्हील्स के साथ है। इसके अंदर ही पानी इंसर्ट होता है और इसके अंदर ही कूलिंग और हीटिंग सिस्टम होता है। ये फ्रंट डोर है, इसके अंदर यहाँ पे पानी फिल हो जाता है और उसके साथ इसकी जो कूलिंग सिस्टम है वो चलता है। और इसी तरह ये इसके पीछे पाइप कनेक्टर लगे हुए हैं, ये वाले जो कनेक्टर हैं ये हमारी जो ट्यूबिंग है उसके साथ लग जाता है, जो कि हम ऑपरेशन बेड के ऊपर लगाते हैं एक पूरा पैड। और इसके साथ ये पीछे तीन वाल्व हैं जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसकी मैं आपको स्पेसिफिकेशन बाद में बताऊँगा। अभी जो फ़िलहाल एक कनेक्शन हमने किया हुआ है उसकी पाइपिंग जो है वो हमने की हुई है, बाकी पाइपिंग हमें नहीं की हुई। तो फर्स्ट वाला जो पाइपिंग है ये आउटपुट पर जाके हमारे जो पैड होता है पेशेंट टेबल के ऊपर उसके साथ अटैच हो जाता है। और नीचे इसी तरह इसकी पावर कोड कनेक्ट होती है और पावर ऑन ऑफ का बटन स्विच दिया। अभी ये हमने इसको ऑन किया है तो ये हीटिंग प्रोवाइड कर रहा है। और इस तरह ये पैड है पूरा जो कि हमने ऑपरेशन टेबल के ऊपर बिछाया हुआ है, इसके अंदर पानी सर्कुलेट करता है। ये इसकी ट्यूबिंग है और इसके साथ ये कनेक्टर हैं जो कि हमारे हाइपोथर्मिया मशीन के साथ अटैच हो जाते हैं। तो अभी हम मशीन को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद इसकी बताते हैं कि इसको किस तरीके से आपने ऑपरेट करना है। सॉकेट से स्विच ऑन कर देना है और उसके बाद ये टाइमर है, ये टाइमर का मतलब यह है कि अभी ये सेल्फ टेस्ट कर रहा है। जब ये टाइमर खत्म हो जाएगा तो सेल्फ टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, मशीन रेडी हो जाएगी ऑन करने पे। अब ये पहले टाइमर खत्म होने का इंतजार करें, ये टाइमर है, इसका मशीन बूट हो रही है, सेल्फ टेस्ट कर रही है। और इसका पानी देखो, पानी इतना बन रहा है कि ऊपर से कॉयल्स नजर आ जाए, कॉयलों को डुबोना नहीं है वरना पानी ऊपर फ्लो कर जाएगा। ये जो कॉयल्स नजर आ रही हैं इनके टिप्स ऊपर से नजर आना चाहिए, कॉयल के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए। सिर्फ टेस्ट कंप्लीट हो गया, अब आपने पीछे से जो यूज करना है वो ये वाल खोल देना है। ये इसका वाल इस तरह खुलता है और इस तरह बंद होता है। अब ये वाल खुल गया, ये दोनों वाल बंद है, आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगा लें यहाँ मेन सर्किट लगा लें। तो ये वायर इसमें खुली कंडीशन में है, ये नीचे आएगा तो ये भी खुली कंडीशन में आ जाएगा, इस वक्त ये बंद है वायर, ये खुला हुआ है, पाइप लगे यहाँ से आपने खोल के ये जॉइंट खोल के आपने ऑक्सीजेटर पर लगा देना है। अब आपने टेम्परेचर सेट करना है, पहले तो आपने ये देखना है कि अब इस वक्त ये आइस बना रहा है, आइस बना रहा है, इस वक्त ये आइस बनी नहीं है, बनी नहीं है, लेकिन इसको 4-5 घंटे लगते हैं आइस बनाने में, इसको यहाँ आइस नजर आ जाती है। उसका तरीका यह है चेक करने का कि ये पेज को दबाएं, ये इसका टैंक का टेम्परेचर बता रहा है कि 9 डिग्री है, ये वाला टैंक का टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये कंप्रेसर चल रहा है, इसका मतलब ये कंप्रेसर चल रहा है, कूलिंग कर रहा है, ये अभी इसका 9 डिग्री टेम्परेचर हो गया। अच्छा, वापस इसको होम पेज दबा दें। अब आप चाहते हैं कि हम 15 डिग्री लेना है तो आप इसको ये बटन दबाएंगे, इस बटन दबा के इस घुमा के वापस 15 डिग्री यहाँ ले आए, ये आपने इसको आप चाहते हैं कि 15 डिग्री का जितनी भी आप चल जा रहे हैं जो आप टेम्परेचर चाह रहे हैं उस वक्त इसको वहाँ इसको घुमा के इस नॉब को ये 15 डिग्री पे आ गया। अब इस वक्त जो करंट टेम्परेचर है वो 18 है और आपका सेट पॉइंट 15 है। अब आप इसको दबा देंगे, अब पानी अभी तक फ्लो नहीं हुआ, अब पानी फ्लो शुरू हो जाएगा और आपका टेम्परेचर डाउन आना शुरू हो जाएगा। अब ये 15 पे आके इसको मेंटेन कर देगा, इस टेम्परेचर को 15 पे आके मेंटेन कर देगा।
अभी ये ऊपर जाएगा क्योंकि हमने पंप ऑन किया है, तो वो सर्किट के अंदर से जो पानी का टेम्परेचर है वो पीक कर रहा है। अभी आ जाएगा, अभी ये 15 के वापस मेंटेन। अब आप इसको दबा देंगे, अब पानी अभी तक फ्लो नहीं हुआ, अब पानी फ्लो शुरू होना शुरू हो जाएगा और आपका टेम्परेचर डाउन आना शुरू हो जाएगा। अब ये 15 पे आके इसको मेंटेन कर देगा, इस टेम्परेचर को 15 पे आके मेंटेन कर देगा। अभी ये ऊपर जाएगा क्योंकि हमने पंप ऑन किया है, तो वो सर्किट के अंदर से जो पानी का टेम्परेचर है वो पीक कर रहा है। अभी आ जाएगा, अभी ये 15 पे इसको लेके वापस मेंटेन कर देगा, थोड़ी देर में वापस डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये सेट पॉइंट है जो पानी फ्लो कर रहा है पाइप में से जो आपके सर्किट को जा रहा है, वो ये टेम्परेचर है जो इसको शो कर रहा है करंट। ये देखिए नीचे आना शुरू हो, अब ये इसको इस पे लेके आएगा 15 डिग्री के। तो 15 डिग्री मेंटेन कर दिया है, अब 15 से थोड़ा सा कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, लेकिन ये 15 पे मेंटेन रखेगा इस वक्त इसको। अब आप चाह रहे हैं कि इसको ही रीवार्म करना, तो रीवार्म करने का तरीका ये है कि आप उसी बटन को दोबारा दबाएंगे और इसको जो टेम्परेचर आपको चाहिए वो यहाँ दिखा देंगे, आप इसको घुमाएंगे। आप अगर आप चाह रहे हैं इस वक्त टेम्परेचर ये 40 करना, तो ये 40 पे इस वक्त आ गया, अब हमने इसको छोड़ दिया। अब ये टेम्परेचर 40 पे ले जाएगा, ये टेम्परेचर 40 में, ये करंट टेम्परेचर जो है जो जा रहा है पाइप के अंदर से पानी, उसको ये 40 पे ले जाएगा। अब हमने सेट पॉइंट दे दिया 40, अब ये 40 पे जाएगा, 40 पे जाके ये मेंटेन कर देगा। और दूसरा आपने ये है कार्डियोप्लेजिया देने के लिए, इस बटन को आपने ऑन नहीं करना, क्योंकि ये आप कार्डियोप्लेजिया आप इस पर दे ही नहीं रहे, तो आप ये सक्शन कार्डियोप्लेजिया का है, इसको आपने ऑन नहीं करना है, आपके काम का सिर्फ ये सक्शन है। ये होम पेज है सिर्फ देखने के लिए, ये पेज है आपको बताता है कि इसमें करंट टेम्परेचर कितना है टैंक का और कंप्रेसर चल रहा है, फिर आप वापस होम पे आ जाते हैं, आप इसका ऊपर जा रहा है टेम्परेचर। अब ये 40 पे जा रहा है, कार्डियोप्लेजिया वाले बटन को प्रेस नहीं करना क्योंकि पीछे इसके कोई भी सर्किट लगा नहीं हुआ। अब ये हीट हो रहा है, देखिए ये 40 पे जाके मेंटेन कर देगा, इसने 36.8 पे ले गया, अब 40 पे जाके मेंटेन कर लेगा, देखा 37 हो गया 4 और 40 में। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये बटन बंद कर देना है, अब पानी फ्लो होना बंद हो जाएगा, अब आपका सर्किट मुकम्मल है। आपने 15 पे पहले लेके आए, फिर आप 40 पे लेके गए, अभी 40 पे जाके मेंटेन कर देगा, आपने फ्लो बंद कर दिया, अब इसमें से फ्लो नहीं होगा, अब आप पानी छोड़ सकते हैं, उसके बाद पीछे से जाके आप करते हैं।